असलमकम एवरी वन होप सो यू आल विल बी डूइंग वेल आज जो है वो हमारा टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं नेक्स्ट अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे इस लेक्चर को भी जो है वो टू पार्ट्स uh, में डिवाइड किया गया है ये फर्स्ट है इसके बाद सेकेंड uh, पार्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा और ये टॉपिक भी कम्प्लीट हो जाएगा सो नाओ लेट स्टार्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें पता है कि ये जो है लेक्चर इसमें मेजर फोकस जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे ही होगा ठीक है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो हमें पता है कि उसमें डी एंड एफ ब्लॉक दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनमें डी और एफ सबशेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो हम कहते हैं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनको मेजरली स्टडी करेंगे उनकी सारी थोरली रिवीजन कर लेंगे दो लेक्चर्स में ओके okay, सबसे पहले हमारे पास ट्रांज़िशन जो है इन um, बिटवीन जो है ये एलिमेंट्स हैं एस एंड पी ब्लॉक के हमें पता है पीरियोडिक टेबल जो है वो यूं होता है ये जो है ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो दरमियान में जो है ये हमारे पास इन बिटवीन जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसकी जो सीरीज़ होती हैं लाइक अगर फोर, फोर फोर्थ फोर्थ सीरीज फोर्थ पीरियड से ये स्टार्ट होते हैं ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मतलब डी ब्लॉक उनमें इन्वॉल्व होता है डी सब शेल उनमें इन्वॉल्व होता है तो फोर्थ पीरियड से ये स्टार्ट होते हैं तो फोर्थ पीरियड में जो है थ्री डी जो है हमारे पास सबशेल आता है थ्री डी सब्शेल फोर्थ पीरियड में आता है फोर डी फिफ्थ में फाइव डी सिक्स में सिक्स डी सेवन्थ में एंड ऐसे सो सोनी सेवन थे पीरियड तो हमारे पास ये बात याद रखनी है कि उस भी बज दफ़ा आ जाता है कि फोर्थ पीरियड होगा तो जो शेल होगा डी सबशल जो इन्वॉल्व होगा वो थ्री डी होगा इसी तरीके से फिफ्थ होगा तो फोर डी होगा ये आप कन्फ्योगेशन से भी देख सकते हैं कन्फ्योगेशन करके कि हमारे पास जो है वो ऐसे होता है नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एक सीरीज़ की शो की गई हैं स्केडियम की जैसे अब है फोर एस टू थ्री डी वन ठीक है यहाँ से जो है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो ग्रुप है इस पर एंड होते हैं ठीक है थीके? और ये आपको एक पीरियड की जो है वो दी गई है कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे पहले हमारे पास के की फॉरेस्ट टू थ्री डी वन है टाइटेनियम में फिर एक और जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होना होता है थ्री डी टू हो जाती है फिर एक और ऐड होता है थ्री डी थ्री हो जाती है अब ये वाली जो क्रोमियम की है ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रही है यहाँ पे जो है थ्री फोर एस टू थ्री डी फोर होना चाहिए था बट फोर एस वन थ्री डी फाइव हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि डी में जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि उसमें टेन जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑकोपाई करता है और ये बात भी जानते हैं कि जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी नस्बत कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो स्टेबिलिटी की वजह से जो एस इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन है वो थ्री डी फोर में आ जाता है और उसको थ्री डी फाइव ही कर देता है क्योंकि ये फॉर्म जो है वो स्टेबल है नेक्स्ट फिर हमारे पास फोर एस टू थ्री डी फाइव हो जाता है फिर थ्री डी सिक्स थ्री डी सेवन थ्री डी एट और यहाँ पे आके कॉपर जो है ये क्रोमियम की तरह एक एक्सेप्शनल एक बिहेवियर शो कर देता है क्योंकि यहाँ पर भी थ्री डी नाइन होने की बजाय एस इलेक्ट्र का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में चला जाता है और वो थ्री डी टेन हो जाता है क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और जिंक के केस में फोर एस टू थ्री डी टेन हो जाता है ठीक है ये हमारी थी एक सीरीज़ और ट्रांसिशन एलिमेंट्स वही हैं पार्शियली फील्ड जिनमें डी या एफ ऑर्बिटल्स हों आया एटॉमिक स्टेट में और आयनिक स्टेट में लाइक ये फ्री एटॉमिक स्टेट है कोई आयन नहीं है इस स्टेट में भी उनके जो डी और एफ सबशेल हैं वो पार्शियली फील्ड हों यहाँ पे चलो डी की बात हो रही है तो डी और आयोनिक स्टेट में भी यानी या या वो कुछ लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उसके बाद भी उनके जो डी सबशेल है वो पार्शियली फील्ड हों तो वो हमारे पास होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी और एफ ब्लॉक जो हैं आर ट्रांजिशन है मतलब देयर प्रॉपर्टीज़ आर इन ट्रांजिशन बिटवीन एस एंड पी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन मींस बिटवीन है एस एंड पी के एस ब्लॉक जो है वो मेटालिक है पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स नॉन मेटालिक आ जाते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनके इन बिटवीन आती हैं फॉर एक्ज़ाम्पल क्रोमियम में अब ये क्रोमियम और कॉपर की वही कन्फिग्रेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस uh, uh, से डी uh, में चला जाता है उसको हाफ फिल्ड करने से करने के लिए इसी तरीके से कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से डी में सब डी uh, सबश में चला जाता है स्टेबिलिटी की वजह से उसे कंप्लीटली फ़िल्ड करने के लिए तो ये uh, उनका एक्सेप्शनल बिहेवियर बताया नेक्स्ट हमारे पास है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी टाइप्स हैं कि टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है हम यही देख लेते हैं बैक स्लाइड पे कि मैंने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये नीचे ग्रुप पर पूरा ठीक है और ये यहाँ पर ख़त्म होते हैं ठीक है तो जो पहला और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनकी अगर बात की जाए बेसिकली जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्योंकि ट्रांजिशन में दोनों आ जाते हैं एफ़ एंड डी तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए अगर Uh, तो यहाँ पर जो होता है ये जो uh, उसमें uh, डी ब्लॉक जो है वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए तो पहले में देखें कि सिर्फ डी में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है और लास्ट वाले में देखें कि वो पार्शियली फिल्ड नहीं है वो कम्प्लीटली फिल्ड है यानी अगर देखा जाए तो ये भी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन पर कुछ ख़ास नहीं पूरा उतर रहा और ये ये इसमें है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया जाए तो डी तो सब शायल वैसे ही गया तो या ये भी जो हमने कहा है कि आयोनिक स्टेट में भी वो जो है उसमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए बट अगर इसकी आयोनिक स्टेट देखें कि अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एस सी प्लस थ्री आ जाता है तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो ये तो डी सबसेल की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। तो हम इस ग्रुप को और इस ग्रुप को फिर कह देते हैं कि ये नॉन टिपिकल हैं एलिमेंट्स अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप टू भी यानी जिंक वाली सीरीज यानी जिंक वाली लास्ट वाली एक ग्रुप टू बी और एक थ्री बी यानी स्केडियम वाली ये वाली सीरी ग्रुप एंड ये वाला ग्रुप इसको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन टिपिकल हैं अब साथ बताया भी है कि ग्रुप टू भी जो है जिंक कैडमियम मर्करी ओनली फॉर्म इनकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट से मिलती है कि ये कंप्लेक्स बनाते हैं ठीक है आ, लेकिन इनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता इनमें कम्प्लीटली ही फिल होता है और स्टेडियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है डी ऑर्बिटल में बट इन कंपाउंड दे फॉर्म प्लस थ्री बट अगर आयोनिक स्टेट में आ जाए वो तीन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो डी ब्लॉक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता तो वो बचते हैं विद इन नो इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता तो ये अभी ट्रांजिशन एलिमेंट कह लें कि डी ब्लॉक स्पेसिफिकली एलिमेंट्स की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता तो इसको भी फिर हम हाफ कह लेते हैं कि ट्रांजिशन है क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है अगर वो एटॉमिक स्टेट में है लेकिन आयनिक स्टेट में नहीं आ रहा तो ट्रांजिशन uh, में कैटेगराइज करके कह देते हैं कि ये नॉन टिपिकल है और टिपिकल बाकी सारे सारे टिपिकल हैं वो बिल्कुल परफेक्ट uh, जो है डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं अब जो जिंक से पहली सीरीज अगर हम देखें दोबारा से इधर जाते हैं जिंक से ये वाली सीरीज तो हमने जिंक को तो कह दिया कि ये कंप्लीटली फील है ठीक है तो ये जो है नॉन टिपिकल में आता है तो ये भी कम्प्लीटली फील था बट यहाँ पे होता है कि ये पूरे कॉइनेज जो हैं मेटल्स इनके अगर हम देखें कॉपर सिल्वर गोल्ड ये ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं अगर इनमें से हम आयन फॉर्मेशन भी करवाएं तो यहाँ पे इसमें थ्री डी टेन है तो थ्री डी एट रह जाता है इसमें फ़ोर डी रह जाता है नाइन इसमें फाइव डी एट ठीक है और यहाँ पे हमने प्लस टू जो है वो उन प्लस टू की रिमूवल कराई मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराएँ हैं दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराएँ तो कॉपर के केस में देख लें कि अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एक ऐसे निकल जाएगा एक डी से तो थ्री डी नाइन रह जाएगा तो वो पार्शियली फील्ड उसमें आ जाता है कैटेगराइज़ में एलिमेंट के डी ब्लॉक एलिमेंट की, की। इसी तरीके से इसके बाकी भी देख लें तो यहाँ पे थ्री डी नाइन आना है ठीक है थ्री डी नाइन आएगा दो निकल रहे हैं ना तो थ्री डी नाइन आएगा और ए जी प्लस टू में भी थ्री फोर डी नाइन बन जाएगा और यहाँ पे तीन निकल रहे हैं तो फाइव डी एट तो ये पार्शियली फील्ड हो गए डी ब्लॉक्स तो ये ये भी ग्रुप जो है फिर टिपिकल में ही कैटेगराइज़ किया जाता है एफ ब्लॉकनाइड एक्टिनाइड जो है ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इनको इनर कहते हैं और ये जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम देखें तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सारे के सारे मेटल्स हैं बहुत हार्ड होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है कंडक्टर है सारे कंडक्ट कर सकते हैं एलोए फॉर्मेशन जो है करते हैं वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल सारा डी ऑर्बिटल है और uh, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं आगे हम इनकी कलर फॉर्मेशन जो है ये प्रॉपर्टी देखते भी हैं कि ये कैसे शो करते हैं इसके अलावा टफ होते हैं मेल यानी है अगर हैमरिंग की जाए उनकी तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं डकटाइल हैं वायर्स में कन्वर्ट करते हैं मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जैसे हमने मेटालिक बॉन्ड जब पढ़ा था उसमें डिफरेंट थेरीज इलेक्ट्रॉन पूल थेरी इलेक्ट्रॉन गैस थेरी ये सारा तो उनमें भी ये एलिमेंट्स जो हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं इनमें एस एंड डी में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे अगर हम दोबारा से लास्ट स्लाइड में देखें तो कोई भी ले लें जैसे इसमें एस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये डी में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ज, जो भी एस और डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है लाइक like अगर एक एस का जो है दो एस के पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक डी का तो प्लस थ्री आ जाएगी एक एस का कर रहा है एक डी का प्लस टू आ जाएगी दोनों एस के कर रहे हैं प्लस टू इस, इससे इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास जो है आती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स नेक्स्ट हमारे पास बाइंडिंग इनर्जी ये जो है ये भी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जैसे बाइंडिंग हमें नाम से शोर है बाइंड होना कोई अनपेयर्ड होगी चीज़ तभी तो वो दूसरे के साथ बाइंड होगी ना तो ये बाइंडिंग एनर्जी टोटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है और जैसे जैसे हम सीरीज़ में मूव करते जाते हैं तो नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं बट आफ्टर uh, जब हम फाइव तक पहुंच जाते हैं फाइव सिक्स तक इसके बाद जो है नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होना शुरू होते हैं इसका यही मतलब है कि जब जहां तक जिस ग्रुप तक अनपेड इलेक्ट्रॉन भरते हैं वहां तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होती रहती है लेकिन जब अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी भी कम हो जाती है इसकी भी हम uh, जो है एग्ज़ाम्पल यहाँ से ही देखते हैं कि अगर हम इसी को देखें यहाँ पे सारे के सारे अनपेयर हैं यहाँ यहाँ पे भी अनपेयरिंग है यहाँ पे भी अनपेयरिंग है यहाँ पे डी फाइव तक डी के फाइव टेन जो है ना फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं सब ऑर्बिटल्स आप कह लें और टेन जो है एक ईच ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है सब ऑर्बिटल की उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ओकोपाई कर सकता है तो ये फ़ाइव हो गए मतलब हर किसी में एक एक आ गया है डी एक्स में एक आ गया है डी वाई में वाई जी एक्स जी सब में डी एक्स वाई में डी वाई जी में सब में एक एक आ गया है ठीक है तो अब हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे अनपेयर्ड हैं डी में डी में क्या है सब के सब अनपेयर्ड हैं तो अब जैसे ही सिक्स आ गया डी सिक्स तो यहाँ पे डी एक्स वाई में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं यानी वो अनपेयर्ड नहीं रहा उसमें पेयरिंग हो गई है अब सेवन आ गया है तो एक और में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया पेयरिंग हो गई है एट में भी पेयरिंग टेन में इस तरीके से यानी मैंगनीज़ जो है ये ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जहाँ पे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है इसका मतलब है कि हमारे पास मैंगनीज की बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए बट हो क्या रहा है हमारे पास अब हम वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं हमारे पास हो रहा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं फ़ाइव तक एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो एट टू बी टू बी तक बट बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रोंगर अप टू फाइव बी फाइव तक जो है वो बाइंडिंग इनर्जी स्ट्रोंगर होती है अब हम दोबारा से देख लेते हैं ये हमारे पास थ्री है ये फोर है और ये हमारे पास है फाइव भाई हमने तो कहा कि मैंगनीज़ के अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हैं तो हमारे पास तो ए, सेवन तक जो है वो ए, फाइव तक जो है वो बाइंडिंग इनर्जी नहीं इंक्रीज़ होनी चाहिए बाइंडिंग इनर्जी तो हमारे पास जो है वो सेवन तक इंक्रीज़ होनी चाहिए मैंगनीज तक बट ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब कोई और फैक्टर है जो यहाँ पे डील कर रहा है बाइंडिंग इनर्जी के साथ और वो फैक्टर है मैंगनीज़ का स्ट्रक्चर मैंगनीज़ का जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल टाइप ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो मैक्सिमम अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन रखने के बावजूद बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम नहीं रख पाता क्रोमियम मैंगनीज़ की फॉल करती है और जो बाक़ी फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इनकी नस्बत ज़्यादा होती है लेकिन बाकी की नस्बत कम होती है तो दोबारा से मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करी थी अनपेड इलेक्ट्रॉन पे ठीक है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज के पास मैक्सिमम थे होना ये चाहिए था कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती 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 मैंगनीज की मैक्सिमम होती और यहाँ आयरन से कम होनी स्टार्ट हो जाती बट होता क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी वेनेडियम तक मैक्सिमम होती है क्रोमी और मैंगनीज़ की बहुत ज्यादा गिर जाती है और फेरस से फिर थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज़ होती है बट इनसे ज्यादा इंक्रीज नहीं होती और ये दो जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं अपने स्ट्रक्चर की वजह से करते हैं तो ये बाइंडिंग

कम होता है बट यहाँ पे लिखा है डिक्रीज़ देन इंक्रीज मतलब यहाँ पर भी कुछ फैक्टर आ रहा है इसको अपने ध्यान से समझना है रेडियाई को ठीक है होता यूँ है कि जैसे ही हम दोबारा से हम वहाँ यहाँ चले जाते हैं अपनी स्लाइड पर होता यूँ है कि स्केडियम है साइज़ में बड़ा होना चाहिए टाइटेनियम कम वेनेडियम उससे कम ऐसे सोन बट होता यह है कि जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं ठीक है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो वो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वो जो फ़ोर एस ऑर्बिटल होता है और जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस और फोर एस ऑर्बिटल इसके दरमियान थ्री डी है ठीक है तो ये जो थ्री डी में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं ये फोर एस और न्यूक्लियस के दरमियान शील्डिंग बढ़ाते हैं यानी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं जिससे फोर एस जो है वो परे की तरफ मूव करना शुरू करता है मतलब इतनी मूव करना शुरू नहीं करता ये नहीं हम कह सकते बट समझाने के लिए बता रही हूँ शील्डिंग ज़्यादा हो जाएगी अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो जो से, सेल पहले यहाँ पे था न्यूक्लियस ने पकड़ के ज़ोर से पकड़ के रखा था अब वो यहाँ पे चला जाएगा इतना ज़्यादा तो नहीं खैर चले यहाँ पे चला जाएगा ठीक है तो मतलब उस शील्डिंग की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है थ्री डी इलेक्ट्रॉन्स जित थ्री डी ऑर्बिटर में जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं उतनी शील्डिंग बढ़ती जा रही है और वो शील्डिंग न्यूक्लियस की और आउटर शेल की यानी फोर शेल की जो अट्रैक्टिव फ़ोर्स है उसको कम करती जाती है एज जा अ रिज़ल्ट साइज़ कम होने की बजाय इंक्रीज होता जा रहा है तो ये उसकी रेडियाई में एक्सेप्शन है अब हम फिर से दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ जाते हैं ओके okay, ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये फेरस के केस में और मैगनीज़ के केस में मैक्सिमम होता है अब मैगनीज के केस में हम पढ़ चुके हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो कोई भी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो है जैसे हमने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी के केस में उस पर डिपेंड नहीं करता यानी कोई भी ओवर फे, फैक्टर जो है इसको डील नहीं कर रहा बस अनपेड इलेक्ट्रॉन ही डील कर रहे हैं अब ये आयंस जो बनाए हुए हैं ना बस इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना एफ ई और मैंगनीज के चलिए ये भी आपको शो करवा दिया जाता है अब दोबारा से आ, ये तो मैंगनीज़ के पास जो है एम एन टू पॉजिटिव उधर लिखा है मतलब ये फोर एस के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो है प्लस टू है लूज कर रहा है अगर ठीक है तो हमारे पास फिर भी मैक्सिमम है डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मैंगनीज़ जो है मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा अब रही बात फेरस की आयरन की आयरन की अगर आयरन प्लस थ्री हो तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन और डी से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा प्लस थ्री तो डी फाइव हो गया यहाँ पे भी मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो दैट्स वाई एम एन प्लस टू एंड एफ ई प्लस थ्री ये क्या कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं और इनका बिहेवियर मैक्सिमम होता है यही बात थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है वेरिएबल होती है क्योंकि एस और डी इलेक्ट्रॉन दोनों इन्वॉल्व हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया अब दोबारा से दोबारा से हम अपनी स्लाइड की तरफ जाते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए कि जैसे मैंने आपको मैगनीज़ के केस में बताया मैंगनीज़ के केस में टू जो थी अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दी गई बट ऐसा भी हो सकता है कि वो एक जो है इलेक्ट्रॉन वो डी में से निकाल दे दो एस में से निकाल दो एस के उसके इन्वॉल्व हो गए बाइंडिंग में कह लें तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होगी अगर एक डी से भी ले लिया तो प्लस थ्री हो गई अगर दो डी से ले लिए प्लस फोर हो गई अगर तीन ले लिए तो तीन डी के और दो एस के प्लस फाइव हो गई इसी तरीके से वेरिएबल शो करने लगे इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं बट सबसे जो मैक्सिमम स्टेट्स होती हैं वो मैगनीज़ की होती हैं सेवन तक ठीक है सेवन तक इसकी होती हैं कि सेवन तक शो कर सकता है पाँच डी के और दो एस के ये बार्डिंग में अनपेड है ना तो ये किसी भी जब अगर डी के पाँच के पाँच अनपेड बार्डिंग में पार्टिसिपेट कर लें एस के दोनों चले जाएं तो ये हमारे पास से, प्लस सेवन तक शो कर सकता है सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट तक ठीक है तो बाकियों में जो है सिक्स तक होती है कईयों में फोर्थ तक फाइव तक ये डिपेंड करता है तो ये इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं ड्यू टू तो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है जिसका वेट हो रहा था कलर अब जो कलर होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर क्यों शो करते हैं डी में हमें पता है आ, पांच ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई वाई जी ये हमें यहाँ पे शो करवाए गए हैं ठीक है थीके? अब हमारे पास होता क्या है जैसे ही, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट होते हैं लो हायर इनर्जी ऑर्बिटल्स में और लोअर इनर्जी ऑर्बिटल्स में और जैसे ही इन लोअर इनर इन कोई एनर्जी प्रोवाइड की जाए कोई एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो के हायर में जाता है जैसे ही एक्साइट हो के जाएगा ये एक्साइटेशन एक कलर शो करेगी और दैट्स वाई हमें जो है हम कह देंगे कि ये कलर शो है हो रहा है इसे डीडी डी भी कहते हैं कि पहले डीडी डी हो गया बाद में जो है ऊपर ट्रांजिशन हो गई उसकी इलेक्ट्रॉन की और हमें कलर शो हो गया जैसे अगर हम एक यहाँ पे बात करें इसके होल जो है प्लस थ्री भी ऊपर आना था ओके तो इसका नाम होगा हेग्जा एक्वा टाइटेनियम ये येलो कलर एब्जॉर्ब करता है और ब्लू एंड रेड ट्रांसमिट करता है अच्छा सबसे पहले इस चीज़ को भी देखने के आ, समझने से पहले आप ये डायग्राम को समझें ठीक है इस डायग्राम में जो भी कलर्स जो हैं एक दूसरे के सामने बनाए गए हैं वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट कलर्स हैं कंप्लीमेंट कलर्स मेन कि अगर रेड कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें चीज़ ग्रीन नज़र आएगी ठीक है हमें चीज ग्रीन नजर आएगी ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑरेंज नज़र आएगी वॉयलेट एब्जॉर्ब हो रहा है तो येलो नजर आएगी ठीक है ये कॉम्प्लीमेंटरी कॉम्प्लीमेंट कलर्स हैं एक दूसरे के जो एक दूसरे के सामने ड्रॉ किए गए हैं अब हमारे पास टाइटेनियम की बात करें तो वो येलो येलो एब्जॉर्ब रहा है येलो कर रहा है तो हमें क्या नजर आएगा वॉयलेट नजर आएगा इसका मतलब वो ट्रांसमिट ब्लू एंड रेड ब्लू एंड रेड ट्रांसमिट कर रहा है तो इन दोनों का एक मिक्सचर सा बनकर न्यू कलर आ जाता है जो वॉयलेट होता है तो ये येलो एब्जॉर्ब करता है और हमें वॉयलेट नज़र आता है तो यूँ इस वजह से ये होता है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं अब हमने एक और बात की थी कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो अलोए बनाते हैं अलोए क्या एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ बनाना अब अलो, आ, मिल के जो है कम, आ, न्यू फॉर्म जो है दो मेटल्स का कम्बिनेशन आप कह सकते हैं तो अब ये अलॉयज़ भी दो तरह के हो सकते हैं सब्सटीट्यूशनल अलॉयज एंड इंटरस्टिशियल अलॉयज़ सब्सटीट्यूशनल अलॉयज सब्सटीट्यूशन क्या होती है एक चीज़ जो है उसको रिमूव करके दूसरी चीज़ का उसकी जगह पे ऐड हो जाना ये ना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जैसे हम पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पर आनी है सब्सटीट्यूशनल अलॉयज़ ठीक है यहाँ पर ये बात ज़रूर माइंड में रखनी है कि जिस चीज़ के भी जिस भी मेटल ने सब्सिट्यूशन करनी है उसका साइज़ सेम होना चाहिए जैसे कि सारे रेड रेड पहले आराम से कौन से बैठे हुए थे अब ये ग्रे वाला अंदर आके कर सब्सिट्यूट हुआ है ना तो इसका साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए साइज सेम था तो इसने ए, रेड को रिमूव करके खुद उसकी जगह पर सब्सिट्यूट हो गया ये एक न्यू टाइप का अलोए बन गया जिसको सब्सिट्यूशनल अलोए कहा गया इंटरस्टिशियल अलोए इंटरस्टिशियल नाम ही शो करा कि इंटरस्टिशियल होती हैं ये जो स्पेसिस तो इस केस में क्या होता है इस अलोए में के मेटल्स के दरम्या जो स्पेसिस होती हैं उनमें कोई ना कोई दूसरे नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन हो गया कार्बन हो गया नाइट्रोजन हो गया वो उनकी इंटरस्टीसिस uh, में एंटर हो जाते हैं और उनको कुछ अप, अपने यूज़फुल फीचर्स दे देते हैं जो उनकी होती हैं ठीक है फ़ीचर्स जो हैं उनको एक नई जो है फिर हमारे पास बन जाता है और उसको इंटरस्टिशियल अलोए कहते हैं यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ये मेटल और नॉन मेटल दोनों मेटल नॉन मेटल से मिलके के बनाएँ ठीक है और ये जो इंटरस्टिशियल होते हैं नॉन स्टिशोमीट्रिक होते हैं लाइक कोई नहीं है कि कितने इसके हैं मोल्स ये जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये नॉन स्टिशोमीट्रिक होते हैं और सब्सिटूशनल एलॉयस में जो है वो हमारे पास ब्रेस ब्रॉन्ज की एग्जांपल है ब्रेस जो है वो कॉपर और जिंक का होता है ब्रोंज कॉपर स्टेनस है मैंगनीज और फास्फोरस एलोमिनियम का भी कुछ पार्ट होता है ये इनकी परसेंटेज पर आगे लिखी हुई है अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जैसे uh, जो है हमें शो हो रहा है कि ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा ठीक है कम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे अगर हम एन की बात करें ठीक है एन की बात करें उसकी डिसोसिएशन होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है सिंपल एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव बस बट अगर एक कंप्लेक्स जो कंपाउंड है पहले उसकी फॉर्मेशन अगर करे और उसकी डिसोसिएशन हो तो हमारे पास सिंपल के टाइन नहीं आता यहाँ तो हमारे पास कंप्लेक्स के टाइन आएगा और सिंपल एनाइन आएगा या कम्प्लेक्स एनाइन आएगा और सिंपल के टाइन आएगा अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है सपोज अगर फ़ेरस साइनाइड है और ये पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है अब हमें पता चल रहा था कि इसमें बस इसमें तीन तरह के हैं आयंस फेरस भी है साइनाइड भी है और पोटाशियम भी है लेकिन जब कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई तो सिर्फ दो आयंस रह गए ये पोटाशियम के टाइन रह गया और ये पूरे का पूरा एनाइन रह गया अब हम इसको अगर डिसोसिएट करें इसकी ब्रेक डाउन करें तो ये फ़ोर के पॉजिटिव रेफिसियन सिक्स होल फोर नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा तो मतलब अब ये सिंपल एनाइन के टाइम हमें नहीं मिले कम्प्लेक्स एनाइन मिला है और सिंपल के टाइम मिला है तो ये कंप्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोडी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटेड कॉर्डीटिड कंपाउंड से ये जो है बाउंड होते हैं ठीक है इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कंप्लेक्स फॉर्मेशन कहते हैं अब डबल साल्स हमें पता है डबल साल्स भी वही हमने मतलब ऐसे होते हैं जिनमें मोर देन वन के टाइम्स एनाइंस पाई जाएंगी दो साल्स का भी कह सकते हैं कंबिनेशन वो उसको अगर हम सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं बट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनमें भी तो कम्प्लेक्स के टाइम एनाइन होते हैं बट ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते अब हम जो कम्प्लैक्स फॉर्मेशन जो है इनमें ना कुछ फैक्टर्स कुछ टर्म्स आप कह लें हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है तो अब इन टर्म्स को वन बाय वन हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है लिगेंड्स लिगेंड्स होते हैं वो वाले ग्रुप्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हों अब ये एग्जाम्पल लेके इसी को हम चलते हैं लेके कर यहाँ पर हमारे पास जो है कोबाल्ट है ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये सारे ग्रुप्स इसके साथ अटैच हैं तो ये हमारे पास क्या हो गए लिगेंड्स नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं याद रखें कि जो लिगेंट्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हुए हैं वो उन उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं यही होता ना, bond, है ना कोऑर्डिनेशन कॉबलेंट बॉन्ड डोनेट करने लोन पेयर डोनेट करें लोन पेयर ठीक है तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन uh, नंबर होता है कि कितने लिगेंड्स जो हैं वो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें uh, चार अमोनिया के हैं और दो क्लोरीन के हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास अगर बात की जाए तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम जो होता है ट्वेल्व तक हो सकता है ठीक है और uh कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन सफियर अगर चार्ज हम बात करें सफियर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन सफियर की ही बात कर लेते हैं तो ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट में पूरा हमारे पास होगा ये कोऑर्डिनेशन सफियर कहलाएगा तो इस पर चार्ज अगर निकालना हो तो हम इंडिविजुअली सबके चार्जेस जो हैं वो करके और कैलकुलेट करके उस पर चार्ज फाइंड कर सकते हैं लाइक हमारे पास है अमोनिया नाइट्रोजन पे कितना है हाइड्रोजन पे वन है क्लोरीन पे माइनस वन है सब कैलकुलेट करके तो जो होल आएगा चार्ज वो इस पर होगा यहाँ पे होल जो है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस वन आएगा न्यूट्रल हमने करना है ना तो नाइन पे माइनस वन है तो पूरे कोऑर्डिनेशन सफियर पे प्लस वन आएगा और इससे अगर आपको कोबाल्ट का यहाँ पे चार्ज नहीं भी पता तो आप फाइंड आउट कर सकते हो करना आता ही है कि सम ऑफ जो है इन सब के चार्जेस वो इक्वल हम प्लस वन के रखेंगे क्योंकि कॉर्डिनेशन सफियर पर क्या चार्ज है प्लस वन और फिर जिसका कोबाल्ट का नहीं आता दूसरे फैक्टर्स उधर जाके माइनस हो जाएंगे और कोबाल्ट का फाइंड आउट हो जाएगा तो ये होता है चार्ज ऑन से और जो लिगेंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेट या ये सारे मोनोडेंटेट है, से हेग्जा तक होते हैं जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए कि ये बाईडेंटेट है मतलब ये दोनों साइड से देखें एक ही लिगेंड है और ये दोनों साइड से जो है दोनों साइड से, से सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है उसको लोन पे डोनेट कर रहा है तो ये बाईड डेट है अगर कोई तीन साइड से करेगा ट्राई होगा चार से टेट्रा और मैक्सीम छ तक होते हैं कि सिक्स साइड से भी डोनेट कर सकता है वो हैग्जा होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम ट्वेल्व तक होते हैं किलेट्स जो हैं इनको क्लेट्स कहते हैं ये वो वाले लिगेंड्स हैं जो अटैच हो सेंट्रल मेटल एटम के साथ टू और मोर पॉइंट्स से और रिंग फॉर्मेशन हो ठीक है ये जैसे लिगेंड्स यही एग्जांपल ले लें ये लिगेंड है जो कि दो पॉइंट से अटैच हुए हैं और ये रिंग फॉर्मेशन हो गई है रिंग फॉर्मेशन हो गई है तो ये हमारे पास होते हैं कीलेट्स नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ क्लेट्स की बात करें तो जितनी ज़्यादा रिंग्स होंगी जैसे हमने रिंग्स की बात कर ली तो उतनी स्टेबिलिटी होगी और जो फाइव मेंबर रिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो स्टेबल होती है और अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये विटामिन बी ट्वेल्व कोबाल्ट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है इसमें भी देखिए ट्रांस मेटल यूज़ हुआ है मेटल पॉइजनिंग जो है वो रिमूव करने के लिए बॉडी से ये यूज़ होते हैं क्रोमियम जो है इंसुलिन लेवल और कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है मैगनीज़ कुछ इंजाम में यूज़ होता है हीमोग्लोबिन जो है आयरन ये भी एक ट्रांसन एलिमेंट है आयरन उसका कम्प्लेक्स है इसी तरीके से क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में मैग्नीशियम जो है इसका कंपले है कम्प्लेक्स कॉपर जो है वो एंजाइम असिस्ट बहुत सारे एंजाइम्स को हेल्प करते हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में आयरन स्ट्रॉन्ग कलर ऑफ हेयर स्किन आइज़ का रिस्पॉन्सिबल है जिंक जो है इंसुलिन को पा का भी पार्ट है और इन्ज़ाम्स भी मे बी यू कैन से हेल्प करता है अब इंपॉर्टेंट है नॉमन क्लेचर ऑफ कंप्लेक्स कंपाउंड्स ओके इसको नेम इसके नेमिंग के रूल्स हैं नेम देते वक्त सबसे पहले हमने किटाइन को नेम देना होता है फिर एनाइन को देना होता है और किटाइन का नेम हम एस सच हमने लिख देना होता है फिर एनाइन अगर कंप्लेक्स एनाइन है उसको नेम देते वक्त सबसे पहले लिगेंड्स को नेम देते हैं ठीक है वो भी अल्फ़ाबेटिकली के अगर मोर देन वन लिगेंस है ना तो अल्फ़ाबेटिकली इनको नेम देना है और फिर अगर कोई दो तीन चार हैं तो डाई ट्राई ये भी यूज होगा और अगर हमारे पास जो है लिगेंड लिगेंड रही हूँ जो एनाइन है वो कम्प्लेक्स है तो जब सेंट्रल मेटल आइटम का हमने नाम लिखना है तो उसके लास्ट पे एट लगा देना है बट अगर वो कटाइन है एनाइन नहीं है तो हमने एट नहीं लगाना अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगी जैसे हमारे पास ये है इसमें कटाइन सिंपल ही है और हमारा इनाइन कम्प्लेक्स है तो कटाइन को नाम पहले देना है हमने पोटाशियम लिख दिया अब इसके अब अगले पार्ट में हमने सबसे पहले जो है वो लिगेंट्स को नाम देना है लिगेंट इसके साथ क्लोरीन अटैच है तो ये लिगेंट लिगेंट का भी आपने नाम देते वक्त ये याद रखना है कि अगर लिगेंट नेगेटिव है एनाइन है तो उसको ओ पे एंड करना है क्लोरो और अगर लिगेंट न्यूट्रल है तो उसको कुछ नहीं करना उसको एज सच ही लिख देना है अमाइन है तो अमाइन लिख देना वाटर के लिए बट एक्वा यूज़ होता है इस ये स्पेशल है तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो हम क्लोरो लिख देंगे और चार है तो हम क्या लिखेंगे टेट्रा क्लोरो उसके बाद मरकरी है तो ये नाइन था तो मैंने कहा था एट पे एंड करना है तो मर्क्यू रेट और साथ उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मस्ट ब्रैकेट में लिखनी है तो अगर आपको नहीं आती तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं सारे जो है एलिमेंट्स uh, उनकी लिख के बा, बाकियों की लिख के जिसकी नहीं आती उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ गया आप यहाँ पे उल्ट केस हो गया यहाँ पे कटाइन कम्प्लेक्स है और एनाइन जो है वो सिंपल है बट हमने जो है हमने कहा कि हमने पहले नेम कटाइन को ही देना है तो कटाइन को देते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिगेंड से हेग्जा और वाटर के लिए क्या यूज़ करना था एक्वा हेक्सा एक्वा और अब ये चूंकि कटाइन है तो ये क्रोमेट लिखने की जरूरत नहीं है हमने सिंपल क्रोमियम लिखना है और एनाइन जो है उसके साथ, आ, साथ हम आइड लगाएंगे कलोराइड नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो आ, है कम्प्लेक्स केटाइन और सिंपल एनाइन फिर हम शुरू करते हैं हमारे जो है लिगेंड से तो यहाँ पे जो है हमारा लिगेंड्स यहाँ पे अमाइन के साथ नीचे फोर भी आया आना है ठीक है तो अमाइन और एक्वा इसमें से अब हम सबसे पहले जो हैं कंपटीशन कराएंगे अमाइन भी ए से है एक्वा भी ए से है अब आ, एम और क्यू का अगर हम कर लें एम जो है वो पहले आता है एम एन ओ पी क्यू एम पहले आता है तो अमाइन पहले आएगा यहाँ पे नीचे फोर भी आना है ठीक है तो ये हम सबसे पहले लिख देंगे टेट्रा अमाइन तो ये एच टू ओ का जो टू है वो ब्रैकेट के बाहर है ठीक है तो ये डाई एक्वा हो जाएगा टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कॉपर अब क्यों पर क्यू पर रेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कटाइन है तो टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कॉपर साथ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट पे जो है एनाइन का नाम सल्फेट ये श्विजर्स रिएजेंट भी है इसको कहते हैं अब लास्ट वन जो है ये भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर भी किटाइन है इसको पहले नाम देंगे और यहाँ पर लिगेंट्स तीन आ गए हैं नाइट्रो क्लोरो अमाइन अब हमें सब सब पता है सबसे पहले तो अमाइन ही आएगा ए से स्टार्ट हो रहा है ना टेट्रा अमाइन फिर आ जाएगा क्लोरो क्योंकि सी जो है वो बाद में आता है फिर क्लोरो और फिर नाइट्रो फिर नाइट्रो प्लेटिन साथ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में नाइन सल्फेट होप सो आपको ये नॉर्मन क्लेचर भी ठीक से समझ आ गया होगा नेक्स्ट हमारे पास है आयरन आयरन जो है इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है उसी में आता है डीप ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको भी आयरन हैज़ बीन नोन सिंस प्री हिस्टोरिक डेज जो है जाना जाता है काफ़ी पुराना इट वाज़ यूज इन एजिप्टन फिफ्टीन हंड्रेड बी में यूज होता था और इट इज़ नोन दैट चाइनीज़ आल्सो यूज्ड आयरन एज अर्लीस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बी सी इतने पुराना वो यूज़ करते थे और सब कॉन्टीनेंट में भी आयरन वाज प्रोड्यूस्ड अराउंड सिक्स हंड्रेड बी सी इसकी ओर आपने याद रखनी है मेग्नीटाइट हेमाटाइट लेमोनाइट और एफ इनके जो फार्मूलाज हैं कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन आयरन इज अवेलेबल कमर्शियली इन द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स जो हैं और ये कमर्शियली अवेलेबल होती है और इनमें जो डिफरेंस होता है वो कार्बन कॉन्टेंट का है पिग आयरन और कास्ट आयरन इसमें टू पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट कार्बन है स्टील में पॉइंट टू फाइव टू टू पॉइंट फाइव परसेंट है राउट आयरन में पॉइंट वन टू टू पॉइंट टू फाइव परसेंट है यह आपने कार्बन uh, कंटेंट्स याद रखने हैं स्टील को भी हम इसमें ही स्टडी करते हैं क्योंकि स्टील जो है वो एलोए है आयरन का और इसमें पॉइंट टू फाइव टू टू पॉइंट फाइव परसेंट कार्बन है और बाकी ट्रेसेस हैं दूसरे सल्फर फॉसफोर सिलीकन मैंगनीज ये सारे भी uh, जो है एलिमेंट्स हैं अब इस कार्बन की तरह इसकी क्लासिफिकेशन uh, देखें तो एक माइल्ड स्टील है पॉइंट वन टू पॉइंट टू परसेंट कार्बन होगी मीडियम में पॉइंट टू टू पॉइंट सेवन एंड हाई कार्बन स्टील में पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट फाइव परसेंट आगे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखें अगर स्टील के ओपन हार्ट प्रोसेस है इसमें जो है अगर तो हमारे पास फर्नेंस एसिडिक लाइनिंग की है तो हम उसे तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हो मैगनीज़ और सिलीकन जैसे कि सिलीकन ऐसा ई टू की फरनेंस है तो हम उसे तब यूज़ करेंगे जब इम्प्योरिटीज़ क्या हों मैगनीज और सिलीकन हो और जब इम्प्योरिटीज़ फास्फोरस और सल्फ़र हों तो हम उसमें बेसिक लाइनिंग की जो है फर्नेंस यूज़ करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट डॉट एम जी सी ओ थ्री ठीक है प्रोसेस इसका क्या होता है कि कास्ट ओपन हार्ट प्रोसेस में ये होता है कि कास्ट आयरन स्क्रैप स्टील क्लाइम ये सारा जो इनका मिक्सचर है इसको फर्नेंस में डाल दिया जाता है मतलब तो चार्ज किया जाता है फिर सिक्सटीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे बर्न कर दिया जाता है इन सब को और सिलीकन मैगनीज़ कार्बन और फिर रिमूव कर दी जाती है सारी इम्प्योरिटीज़ अब करोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स जो हैं ये भी हम स्टडी करते हैं ट्रांसियन एलिमेंट्स में ही क्योंकि ये क्रोमियम जो है ये भी एलिमेंट है तो डिप्रोक एलिमेंट है साल जो है क्रोमिक एसिड के होते हैं बेसिकली और डाइक्रोमिक एसिड के और दोनों एक्वस में एग्जिस्ट करते हैं और जब इनको सेपरेट आउट करने की किए जाएँ तो डिकम्पोज हो जाते हैं क्रोमिक एंडहाइड्राइट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं ये दोनों ठीक है देयर स्टार्स आर क्वाइट स्टेबल इनके स्टार्स स्टेबल होते हैं और करोमेट जो होता है वो येलो होता है और डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर का होता है करोमेट में एसीड एड किया जाए तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा साथ वाटर आ जाएगा बट कलर चेंज है इसका येलो होता है और इसका ऑरेंज रेड होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ये क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट है जो ये इस्तेमाल होता है कन्फर्मेशन ऑफ क्लोराइड आइंस के क्लोराइड प्रेजेंट है नहीं है उनकी कन्फर्मेशन के लिए होता क्या है कि कोई भी साल्ट जिसमें क्लोरीन साल्ट है क्लोरीन प्रेजेंट है उसको हीट किया जाता है पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट करते हैं और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं ये साल्ट है हमारे पास क्लोरीन कंटेनिंग साल्ट इसको पोटाशियम डाईक्रोमेटर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया अगर क्लोराइड इसमें प्रेजेंट है तो क्रोमाइल क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगी और रेड फ्यूम्स जो हैं वो गिवन आउट होंगे और बाकी ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं साइड प्रोडक्ट्स यू कैन से ये फॉर्मेशन होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम पर मैंगनेट ये भी डाइक्रोमेट्स में आ जाता है इसको स्ट्रेडल प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं इसको पिंकी बी कहते हैं ये पर्पल कलर का होता है बेसिकली होता ये है कि हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो हमारे पास होता है के टू एम एन ओ फोर और वो बाद में पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम करते रहते हैं उसकी वो ग्रीन कलर का होता है और क्लो क्लोरिन गैस जो है वो पास करवाते हैं तो पर्पल कलर की सल्यूशन यानी के एम एन ओ फोर प्रोड्यूज हो जाता है बेसिकली क्लोराइड जो है सी एल टू वो ऑक्सीडाइज कर देता है के टू एम एन ओ फोर को के एम एन ओ फोर में ये पर मैंगनिक साल्ट मैंगनिक एसिड है एच एम एन ओ फोर का साल्ट है अनस्टेबल है और एग्जिस्ट ओनली इन सोल्यूशन सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है दिस इज़ आल अबाउट योर टूडेज़ टॉपिक अगर कोई क्वेरीज रैगिंग हों तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए uh, जब तक नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ एंड थैंक यू सो मच अच्छे से प्रिपेयर कीजिए